चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आपका भी हृदय परिवर्तन अभी अभी कुछ माह पहले ही हुआ है, तो क्या देख रहे हैं, क्या माहौल आपको इस बार चुनाव का नजर आ रहा है? नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, किस आधार पर आपका ये दावा है? देश की जनता मोदी के साथ है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, इसके बारे में? न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। प्रमोद कृष्ण जी, पहले आप जो है कांग्रेस के काफी शोर बयान दिया करते थे, आजकल आप मोदी जी के साथ हैं, तो ऐसा परिवर्तन कैसा है आपके अंदर? कल तक मैं कांग्रेस के साथ था, आज मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूँ। मुझे लगा नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में आप भविष्य में क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं, क्या भारत के लिए विशेष करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया है जी। जब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूंगा तब मैं इस पे बोलूंगा। अपने राष्ट्र के नाम पे आप कुछ संदेश देना चाहेंगे, भारत राष्ट्र के नाम पे? देश की जनता को देश के सबसे बड़े उत्सव में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वोट करना चाहिए। मेरा एक सवाल यह है कि आपके पास पिछले 2 महीने में 1.5 महीने में जब से आप कांग्रेस के खिलाफ मुखर हुए, तब से राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने या सोनिया गांधी ने आपसे कोई संपर्क किया, आपसे कुछ बात की है? देखिए, जिन गलियों को जब छोड़ आते हैं तो उनके बारे में बात करना ठीक नहीं होता। छोड़ आए हम वो गलियां। क्या कारण रहा कि आप, कुछ कारण तो रहा होगा, ऐसे ही तो कोई गलियां नहीं छोड़ देता? देखिए, बहुत से कारण थे, वैचारिक कारण थे, सैद्धांतिक कारण थे। मैंने कोशिश की कि मैं कांग्रेस पार्टी को समझा पाऊँ। मैंने हमेशा कहा कि आप राम का विरोध मत करो, अयोध्या का विरोध मत करो, सनातन का विरोध मत करो। बहुत से कारण थे। भारत की नई संसद बनी है, उनका विरोध मत करो। नरेंद्र मोदी जी के फैसलों की आलोचना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत में अंधे मत बनो। ये सब बातें थीं।